हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ बेबी चौबे और स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल चौबे फूड हब में। तो आज हम मूली का और हरी मिर्च का अचार बनाने वाले हैं, जो कि बहुत अच्छा होगा और मूली का सीजन भी है। तो चलिए मूली और हरी मिर्च का अचार डालते हैं। तो आजकल क्या है ना कि बहुत अच्छा अच्छा मूली भी मिल रहा है और इसके अंदर रस बहुत ज़्यादा रह रहा है। तो हम क्या करेंगे कि मूली को हम धो लिए हैं, अब इसका हम ऊपर से एक परत छिलका इसका निकाल लेंगे। तो हमें मूली का अचार बनाना है। ठंड का मौसम है और बहुत अच्छा मूली मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे कि पहले इसका छिलका निकालेंगे और आप सब एक बार हमारे रेसिपी के अनुसार बनाइए और इस ठंड में मूली का अचार खाइए, मूली और हरी मिर्च का अचार। तो पहले हम इसका सारा मूली का छिलका निकाल लेते हैं, उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। तो ये देखिए, मूली तो हम काट लिए हैं और हरी मिर्च भी हम काट लिए हैं। तो यहाँ पर हम इसे अच्छा से पोंछ छोंच दिए हैं। अब इसे हम क्या करेंगे कि 10-15 मिनट के लिए धूप में रख देंगे। तो जब तक हम धूप में रखेंगे और मूली हमारा थोड़ा सा सूख जाएगा, तब तक हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे हम मसाले निकाले हैं। तो मसाले में हम धनिया लिए हैं, ये सौंफ लिए हैं, जीरा लिए हैं, गोल मिर्च लिए हैं, मेथी लिए हैं और ये थोड़ा सा हम राई लिए हैं और एक नींबू लिए हैं, जो कि आप विनेगर भी डाल सकते हैं। यहाँ पर हम नींबू लिए हैं और लाल मिर्च है और कश्मीरी लाल मिर्च भी डालना है इसमें। तो चलिए हम थोड़ा सा धूप में इसे रख देते हैं और उसके बाद हम मसाले को तवा पर भून लेते हैं। तो ये देखिए, तवा गर्म हो चुका है। हम कढ़ाई में भी भून सकते थे लेकिन यहाँ पर हम तवा में ही भून लेते हैं। वो भी लोहा वाला तवा है हमारा। तो इसे हम थोड़ा सा भून लेंगे, ज़्यादा नहीं भूनना है हमें, बिल्कुल थोड़ा सा भूनना है, हल्का सा लाल करना है। तो बस जब चटपट होने लगे ना तो इसे निकाल लेना है। ये देखिए, मसाले तो हम भून लिए हैं, अब इसे मिक्सी जार में हम ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए, मैं ज़्यादा महीन नहीं करना है, हम इसी प्रकार से इसी टाइप में पीसना है, ज़्यादा महीन नहीं करना है। तो चलिए अब मूली को हम ले आते हैं। ये देखिए, मूली हमारा सूख चुका है। तो हम इसमें डाल लेंगे और मिर्च भी डालेंगे इसी में। यहाँ पर हम जो राई जो भुने थे ना, सरसों, इसे हम डालेंगे, थोड़ा सा डालेंगे। और इसके बाद से जो मसाले हम भुने थे, इसमें सारे मसाले डाल देंगे। बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है मसाला का। और हम थोड़ा सा हल्दी डाल लेंगे। हम लाल मिर्च डालेंगे, उसके बाद से थोड़ा सा हम कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, उसके बाद से हम नमक डालेंगे। नमक थोड़ा हम ज़्यादा ही डालेंगे क्योंकि अचार में थोड़ा सा ज़्यादा नमक रहता है तो अचार जल्दी ख़राब नहीं होता है। तो यहाँ पर हम नमक डाल लेंगे थोड़ा सा ज़्यादा। और उसके बाद से तेल को हम गर्म कर लिए हैं, हल्का कढ़ाई में रख के अब तेल को गर्म कर लिए हैं। तो हमें तेल हल्का बॉयल करके ही डालना है, इसमें कच्चे तेल का इस्तेमाल नहीं करना है। पहले हम इसमें नींबू डाल लेंगे, जो हम एक नींबू लिए हैं ना, वो नींबू हम इसमें डाल लेंगे। मूली का सीजन है, आप सब बनाइए और बनाकर मूली का और हरी मिर्च का अचार खाइए घर में, बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पर हम नींबू डाल लिए, तो ये देखिए सारे सामग्री हम मिला दिए हैं, इसमें सारे मसाले ऐड कर दिए हैं। अब आपको अगर पसंद हो तो इसमें थोड़ा सा काला नमक डाल दीजिए, बिल्कुल थोड़ा सा डालना है अगर पसंद हो तो, नहीं पसंद हो तो काला नमक स्किप कर दीजिए। तो यहाँ पर हम डाल लिए और तेल जो हम थोड़ा सा गरम किए थे कढ़ाई में, तो इसमें हम तेल को मिला लेंगे। ये देखिए, तेल हमारा गरम हो चुका है और तेल को ठंडा करके उसके बाद इसमें डालें। तो इसे हम डालेंगे, सारे तेल को डालेंगे और उसके बाद हम इसे मिला लेंगे अच्छी तरह। हमारा अचार तैयार हो गया, मूली और हरा मिर्च का।
तो आप सब बनाइए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। थैंक यू।